नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज अबाउट मेडिसिन। तो दोस्तों, आजकल हर कोई अपने चेहरे को जल्दी से जल्दी गोरा बनाना चाहता है। दोस्तों, इसी गोरेपन के चक्कर में लोग अपने चेहरे पर स्टीरोइड से भरी क्रीम्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, ये स्टीरोइड्स क्रीम आपके चेहरे को गोरा तो बना देती है, लेकिन दोस्तों जब इन क्रीम्स को छोड़ने की बात आती है तब आपके चेहरे पर रेडनेस आनी शुरू हो जाती है, आपका चेहरा फिर से काला होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दुनिया की 5 ऐसी सबसे खतरनाक स्टीरोइड्स क्रीम्स के बारे में बात करूंगा, जिसे कि आजकल लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि इन फ्यूचर जब आप इन क्रीम्स को छोड़ेंगे तब आपके चेहरे पर काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, उन 5 स्टीरोइड्स क्रीम्स की आज मैं आपके साथ पूरी जानकारी शेयर करूंगा कि कैसे आपको उन क्रीम्स को लगाना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सेफ स्किन वाइटनिंग क्रीम के बारे में भी बात करूंगा, जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट आपके चेहरे को 100% गोरा बनाएगी। एंड दोस्तों, जो भी गोरापन आपको आपके चेहरे पर देखने के लिए मिलेगा वो आपके चेहरे पर हमेशा के लिए बना रहेगा। तो दोस्तों, उस क्रीम की पूरी जानकारी के लिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हैं नॉलेज अबाउट मेडिसिन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, टॉप 5 डेंजरस स्टीरोइड्स क्रीम्स में से जो 5वें नंबर पे क्रीम है, उस क्रीम का नाम है स्किन शाइन क्रीम। दोस्तों, इस क्रीम को चेहरे को गोरा बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, ये क्रीम चेहरे को गोरा तो बनाती है, लेकिन दोस्तों इस क्रीम को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। दोस्तों, लोग क्या करते हैं, डेली रूटीन में इस क्रीम को इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में एकदम से ही इस क्रीम को लगाना बंद कर देते हैं, जिससे कि उनकी स्किन पे साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन पे रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपके साथ इस क्रीम की जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, इस क्रीम में हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन एंड मोमेटासोन फ्यूरोवेट क्रीम जैसे आवश्यक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये क्रीम एक स्टीरोइड से भरी क्रीम है, जिसे कि आपको कॉन्टीन्यूसली अपने चेहरे पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगा रहे हैं तो दोस्तों 5 से 6 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद में धीरे धीरे करके इस क्रीम को लगाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप कोई क्रीम को लंबे समय तक अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो पतली होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि धूप में निकलने के कारण आपकी स्किन पर रेडनेस आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले तो आप ऐसी स्टीरोइड क्रीम को अपने चेहरे पे बिल्कुल भी मत लगाइए, और अगर लगा रहे हैं तो धीरे धीरे करके उस क्रीम को लगाना बंद कर दीजिए। दोस्तों, इसके बाद बात आती है जो 4th नंबर पे क्रीम है उसकी। दोस्तों, इस क्रीम का नाम है मेडिसेलिक ऑइंटमेंट। दोस्तों, इस क्रीम को भी चेहरे को गोरा बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके कार्टन पे एक लेडीज़ की फ़ोटो बनी हुई है, जो कि दर्शाती है कि ये क्रीम आपके चेहरे को गोरा बनाएगी। लेकिन दोस्तों, इस क्रीम पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि कोई ये फेयरनेस क्रीम है या स्किन वाइटनिंग क्रीम है, सिर्फ दोस्तों लोगों का ध्यान भड़काने के लिए इस पर इस लड़की की फ़ोटो बनाई गई है। दोस्तों, इस क्रीम में क्लोबिटासोल एंड सैलिसिलिक एसिड जैसे आवश्यक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, क्लोबिटासोल एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है, जिसे कि आपको अपनी स्किन पे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है या कोई एलर्जी हो गई है, उस जगह पर आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह के साथ। इसके अलावा अगर आप अपने चेहरे पे इस क्रीम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों धीरे धीरे करके इस क्रीम को भी आपको अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन फ्यूचर जब एकदम से आप इस क्रीम को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो आपके चेहरे पर रेडनेस आएगी और आपका चेहरा पहले से भी ज़्यादा काला हो जाएगा। दोस्तों, स्टीरोइड्स क्रीम्स को कभी भी अपने चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के द्वारा बनाई गई क्रीम्स को अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब बात आती है टॉप 5 डेंजरस स्किन वाइटनिंग क्रीम में, जो थर्ड नंबर पर क्रीम है। दोस्तों इस क्रीम का नाम है एलोसोन HT स्किन क्रीम। दोस्तों इस क्रीम पे भी एक लेडीज़ की फ़ोटो बनी हुई है। दोस्तों इस क्रीम पे भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये कोई स्किन वाइटनिंग क्रीम है या फेयरनेस क्रीम है, लेकिन दोस्तों इस पे ये मेंशन किया हुआ है रिमूव स्किन पिगमेंटेशंस। दोस्तों अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप इस क्रीम को डॉक्टर्स की सलाह से अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्किन शाइन क्रीम और एलोसोन HT क्रीम, दोस्तों इन दोनों के इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम हैं, तो दोस्तों जो रिज़ल्ट आपको स्किन शाइन से मिलेगा वही रिज़ल्ट आपको एलोसोन HT से मिलेगा। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको स्किन शाइन से मिलेंगे वही साइड इफ़ेक्ट्स आपको एलोसोन HT क्रीम से मिलेंगे। तो दोस्तों अब आप बोलेंगे कि इस पे तो लिखा हुआ है रिमूव स्किन पिगमेंटेशंस। दोस्तों जो स्टीरॉयड्स क्रीम्स होती हैं वो आपके चेहरे की पिगमेंटेशंस, ब्लेमिशेस एंड मार्क्स पे भी काफ़ी अच्छा वर्क तो करती हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका होता है। दोस्तों लोग डेली रूटीन में लंबे समय तक इन क्रीम्स को अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि इन फ्यूचर उनकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कोई भी स्टीरॉयड क्रीम डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल भी अपने चेहरे पर मत लगाइए। तो दोस्तों अब बात आती है टॉप 5 डेंजरस स्टीरॉयड्स क्रीम्स में, जो सेकंड नंबर पे क्रीम है उसकी। दोस्तों इस क्रीम का नाम है नो स्कार्स क्रीम। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है हेल्प टू रिड्यूस रिमूव स्कार्स एंड मार्क्स। दोस्तों इस क्रीम में भी स्किन शाइन क्रीम एंड एलोसोन HT क्रीम जैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों स्टीरॉयड्स होने के कारण ये क्रीम आपकी स्किन के स्कार्स एंड मार्क्स पे काफ़ी अच्छा वर्क करती है। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया कि इन स्टीरॉयड्स क्रीम्स को इस्तेमाल करने का सही तरीका होता है, दोस्तों जब आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करे तभी आपको इस क्रीम को भी अपने चेहरे पे इस्तेमाल करना है। वरना अगर आप भी इस क्रीम को डेली रूटीन में ऐड कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर की एडवाइस से धीरे धीरे करके इस क्रीम को लगाना बंद कर दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम होंगे और आपका चेहरा पहले जैसा ही हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात आती है टॉप 5 डेंजरस स्टीरॉयड्स क्रीम्स में से, जो सबसे पहले नंबर पर क्रीम है, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली क्रीम है और जो लोगों को के द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों इस क्रीम का नाम है बेटनोवेट N क्रीम। दोस्तों इस क्रीम में मुख्य रूप में बीटा मेथासोन वैलरेट एंड नियोमाइसिन स्किन क्रीम जैसे आवश्यक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये क्रीम खास तौर पर एलर्जी पे इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम है। दोस्तों अगर आपको एक्जिमा, एलर्जी या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गई है उस पर आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस क्रीम को ज़्यादातर लोगों के द्वारा अपने फेस पे इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने पिंपल्स को दूर करने के लिए, अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए। दोस्तों इस क्रीम पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि यह क्रीम चेहरे को गोरा बनाती है। दोस्तों आजकल 15-16 साल के बच्चे भी इस क्रीम को अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि इन फ्यूचर उनकी स्किन पे इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों जो भी मैंने स्टीरॉयड्स क्रीम्स के बारे में आज बताया, दोस्तों उन क्रीम्स को अगर आप अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों आपको धीरे धीरे करके उन क्रीम्स को लगाना बंद कर देना चाहिए। जैसे कि एक दिन लगाया, दूसरे दिन ना लगाया, या उसकी क्वांटिटी को धीरे धीरे करके कम कर दीजिए। इसके अलावा जो भी स्टीरॉयड क्रीम आप अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसे अपने डॉक्टर की एडवाइस के बिना बिल्कुल भी अपने चेहरे पे इस्तेमाल मत कीजिए। तो दोस्तों अब बात आती है जो मैंने सेफ स्किन वाइटनिंग क्रीम के बारे में बात की थी। दोस्तों इस क्रीम का नाम है क्रिस्टल ग्लो स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। दोस्तों अगर आप अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए कोई ना कोई क्रीम अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपने इस क्रीम के बारे में ज़रूर सुना होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों वैसे तो इसमें कोई भी स्टीरॉयड ऐड नहीं है। इसके अलावा इस क्रीम में अल्फ़ा अर्ब्यूटिन, कोजिक डिपालमेट, नायासिनामाइड, वाइटमिन सी, मलबरी एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, लाइकोपिन कैरेट एक्सट्रैक्ट एंड क्रीम बेस जैसे आवश्यक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये क्रीम आपके चेहरे को तेज़ी से गोरा बनाने के साथ साथ आपके चेहरे की ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशंस, मार्क्स एंड रिंकल्स पे भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इस क्रीम में कोई भी स्टीरॉयड ऐड नहीं है, इसलिए आप इस क्रीम को
बेझिझक अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक नाइट क्रीम है, आप अगर इसे रात को सोते समय इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये क्रीम सिर्फ 3 से 5 दिन के अंदर आपके चेहरे को गोरा बनाने की गारंटी लेती है। दोस्तों अगर आपके चेहरे का कलर ज़्यादा डार्क है तो रिज़ल्ट आने में 10 दिन भी लग सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस क्रीम को बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर डायरेक्टली वहाँ से इसे बाय कर सकेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो लेकर जल्दी ही वापस आऊँगा। जय हिंद।